हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी स्टडी वीडियोज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एग्जाम्स में बन सकते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक रहें, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और इस तरह से बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जो हर साल दिए जाते हैं, पर ये किस किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यानी किन को दिया जाता है। तो ये साहित्य वालों को दिया जाता है, यानी लिटरेचर में जो भी सबसे बेहतर रचना लिखता है उनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले 1965 में यह अवार्ड दिया गया। शंकर कुरूप नाम के एक व्यक्ति थे जो कि मलयालम भाषा के रचनाकार थे। तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1965 में। अभी हाल ही में 2021 में जो मिला है वो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किनको मिला? संजय सूरी जी को, लेकिन वो 2020 में ना होकर 2021 में मिला। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो आंसर होगा संजय सूरी। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि 56 नंबर का यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो भी हमारा आंसर होगा संजय सूरी जी को। आपको ये भी याद रखना है कि 56 नंबर का ये इनको मिला है। कई बार ऐसे ही पूछ सकता है कि 55वां यानी 55th नंबर का किसे मिला था, तो यानी 2019 का जो मिला था वो अकिथम को मिला था। और उसके पहले की बात करें 54th नंबर की, तो 2018 में मिला था अमिताभ घोष जी को, जो कि एक इंग्लिश के राइटर हैं। और जो संजय सूरी जी को मिला है, इनकी लैंग्वेज की बात करें तो संजय सूरी जी को जो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो ये हिंदी भाषा के रचनाकार हैं, तो इनको हिंदी भाषा के लिए मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखते हैं अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। जो भी अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन करता है उसके लिए उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली या जितने भी मीराबाई चानू जितने भी हैं खिलाड़ी, इन सबको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, फेमस जितने भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये अर्जुन पुरस्कार का ये अवार्ड यही है। इसी तरह से एक सिंबल मिलता है और सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। अगला देखते हैं किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो बेहतर योगदान करता है, असाधारण योगदान, उसके लिए मिलता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। जो भी बेहतर संगीत के क्षेत्र में काम करता है उनको मिलता है ग्रैमी पुरस्कार। अभी मार्च 2021 में ग्रैमी पुरस्कार बांटा गया है, यह सम्मेलन हुआ जिसमें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। लॉस एंजलिस अमेरिका में यह संपन्न हुआ था। अगला देखते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग कौन है? ये समझ लीजिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर कहे जाते हैं पूरी दुनिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने ही शुरू किया, नॉर्मन बोरलॉग जी ने। और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिल चुका है, साथ में इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो इनके नाम पे, इनके सम्मान में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग जी, इन्हीं के सम्मान में कृषि के क्षेत्र में जो भी सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अगला देखते हैं राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी फीचर फिल्म अगर राष्ट्रीय एकता पर बनती है तो नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो फिलीपींस द्वारा रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और ये रैमन मैग्सेसे वहाँ के प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। और भी आपको पता है 2019 में इंडिया NDTV के जो आपके एंकर जी हैं, जो कि रवीश कुमार जी हैं, इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2020 में कोरोना की वजह से अभी तक 2020 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं बांटा गया है, ये भी आपका रखना। और ये किसी भी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम करता है उनको दिया जाता है। तो 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतर काम किया, इसलिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और ये रहा सिंबल, यही वो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, यही मेडल होता है, इसको पहना जाता है। अगला है पुलित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता, देखिए जो पिछला था जो हम लोग ऊपर देखे थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये किसी भी क्षेत्र में बेहतर उल्लेखनीय काम करने वाले को मिलता है। जबकि अगर पुलित्जकर पुरस्कार की बात करते हैं तो सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना बेहतर योगदान देता है उसको मिलता है ये पुरस्कार। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। इसी से रिलेटेड एक और पुरस्कार है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, तो आपको वो भी याद रखना है, और उसका नाम है पृथ्वीजगर पुरस्कार। तो ये होता है पृथ्वीजगर पुरस्कार होता है, एक होता है पुलित्जकर पुरस्कार होता है। तो ये आपको बता दीजिए पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है पुलित्जकर पुरस्कार, और जबकि पृथ्वीजगर, ये जो पृथ्वीजगर है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दोनों आपको क्लियर याद करना है। तो ये जो पुलित्जकर पुरस्कार है वो इस तरह का दिखता है। अगला देखते हैं कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए
क्या मिलता है, कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। और कलिंग आपको पता है कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, कलिंग की लड़ाई इसी द्वारा लड़ी गई थी, आपको पता ही। अगला देखते हैं, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया था, यानी ग्लोबल 500 अवार्ड दिया था। ये लोअर पीसेस में आ चुका क्वेश्चन, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करता है उनको ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार। अगला देखते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये ऐसे दिखता है सरस्वती सम्मान। और अगर हाल ही की बात करें तो 2020 का सरस्वती सम्मान यानी 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो वो मिला है शरण कुमार लिम्बाले, एक मराठी के रचनाकार हैं, उन्हीं को मिला है 2020 का यानी 30वां सरस्वती सम्मान। और अगर रचना की बात करें तो सनातन, सनातन नाम का इनका उपन्यास है शरण कुमार लिम्बाले जी का, इसी की वजह से इनको मिला है सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में जाता है। अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में, किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2020 का आपको पता बता ही दिया गया है, 30वां किसको मिला, शरण कुमार लिम्बाले को। उसके पहले जो मिला था 2019 का, वासुदेव मोही को मिला था, जो कि सिंधी के रचनाकार हैं, ये भी क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। तो सिंधी रचनाकार थे वासुदेव मोही, इनको 2019 का यानी 29वां सरस्वती सम्मान मिला, इनकी रचना थी चेकबुक। उसके पहले मिला था के शिवा रेड्डी को, जिनकी जो कि तेलुगु कवि थे। तो इस तरह से पूछ सकता है, आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, तो अगला नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की, तो स्वीडन ने की थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो अल्फ्रेड नोबेल थे जो कि डायनामाइट की खोज करता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार ऐसे ही कुछ दिखता है, ये है अल्फ्रेड नोबेल जी, इसमें इनका ये इनका बनाया गया इनको। ये देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो अभी आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है। किसको सबसे पहला मिला था, शंकर कुरूप को, जो कि मलयालम के थे, मलयालम रचनाकार थे, मलयालम भाषा के। अगला है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1985 में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 1985 से। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ, तो 1954 में भारत रत्न और जितने भी राष्ट्रीय सम्मान है वो सब दिया जाने लगा। तो 1954 में सबसे पहले तीन लोग को मिला, कौन कौन से, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे, मतलब सी राजगोपालाचारी जी, जो कि आपके मतलब आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल भी यही थे। उसके बाद पहला तो मतलब 1954 में तीन लोगों को मिला, जो कि बताया सी राजगोपालाचारी जी को, सी वी रमन जी को भी मिला और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मिला, तीन लोगों को मिला था। सी वी रमन को आप जानते हैं, 1930 में फिजिक्स के में इनको नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और अभी हाल ही में जो मिला 2019 में मिला है, उसके बाद से भारत रत्न अभी तक नहीं मिला। 2019 में मिला था, तीन को मिला था, भूपेन हजारिका जी को जो कि असम के थे, प्रणब मुखर्जी जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे, और नानाजी देशमुख जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे महाराष्ट्र के। तो तीन मिला था 1954 में, और अभी हाल ही में जो मिला है 2019 में वो मिला है, वो भी तीन लोगों को ही मिला है। तो आपको इसको बार बार वीडियो को सुनना है, ये भारत रत्न कुछ ऐसे दिखता है। अगला देखते हैं, सी वी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको मैंने बताया 1930 में मिला, फिजिक्स में मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड, ये मिसप्रिंट है, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से लेखक अंग्रेजी के लेखक को चुना जाता है। राष्ट्रमंडल आपको बता दें, जितने भी ब्रिटिश के गुलामी किए यानी जितने भी ब्रिटिश हुकूमत का जिन पर कब्जा रहा उन देशों को कहते हैं राष्ट्रमंडल देश। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया, तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, यानी शुरू में 1969 के पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, उसके बाद से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। प्रोफेसर अमृत सेन का आपने नाम सुना है, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया जो कि भारत के थे। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई, तो सरस्वती सम्मान यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ये भी दिया जाता है व्यास सम्मान, और यह हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को मिलता है, यानी जो भी हिंदी भाषा में बेहतर रचना लिखता है उसको मिलता है व्यास सम्मान। तो अभी हाल ही में मिला है 2020 का यानी 30वां व्यास सम्मान मिला है प्रोफेसर शरद पगाड़े को, और इनकी जो रचना थी वो पाटलिपुत्र की सामग्री साम्राज्ञी
पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो रचना है उसकी वजह से प्रोफेसर शरद पगाड़े जी को मिला है व्यास सम्मान 2020 का, यानी 30वां। उसके बाद देखते हैं तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे सर्वप्रथम किसको मिला, तो श्रीमती देविका रानी जी को मिला है, ये मती में बड़ी की मात्रा होगी, श्रीमती देविका रानी जी को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पता है ये इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के, इन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं, तो आचार्य विनोबा भावे जी हैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो गीतांजलि इनकी रचना आपको पता है 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सी वी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1930 में। अभी देखिए हमने चर्चा किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1998 में इनको मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी भारत के हैं, तो भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है, 1969 से, उसके पहले नहीं था। स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम्स में, तो आपको ये सब याद कर लेना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको पता है फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार, और ये दिया जाता है नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। उसके बाद देखते हैं ये ऑस्कर पुरस्कार इस तरह कुछ दिखता है। अगला देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। आपको पता है मैंने बताया 1965 में शंकर कुरूप को मिला था जो कि मलयालम भाषा के थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो हिंदी थे लेखक वो कौन थे, वो थे सुमित्रानंदन पंत जी थे, ये यहाँ पे पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, 1991 में बताया हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, अभी हाल ही में किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन रचना की वजह से। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे, तो तीन लोगों को मिला था जिसमें राधाकृष्णन जी का नाम है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत किसको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनको मिला मरणोपरांत भारत रत्न। और भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, ऐसा कौन विदेशी जो कि जिसको भारत रत्न दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है भारत रत्न, जो कि फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं इनको। तो दोस्तों ये रहा हमारा अवार्ड्स पर वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको याद ना हो पाए अभी तक, तो एक बार और वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपको वीडियो याद हो जाएगा, और ये बहुत से इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।